गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल क्लास में, जिसमें फिर से पूरे 50 मार्क्स का कंप्लीट पेपर का एनालिसिस होगा। 50 आउट ऑफ 50 यानी कि पूरे 25 क्वेश्चंस कैसे आप स्कोर करेंगे एग्जाम में, उसकी प्रैक्टिस करते हैं आप मेरे साथ हर रोज इसी टाइम स्लॉट पे, ठीक है। सो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मेरी जो क्लासेस आप डेली बेसिस पे अटेंड कर रहे हैं, सुबह की 8 बजे का एडिटोरियल हो चुका है, 10 बजे का ये क्लास हो चुका है, और आज की तीसरी क्लास जो लाइव चलती है वो आप देख रहे हैं 1:30 बजे, और एक क्लास हम लोग और अटेंड करेंगे वो होगा 3 बजे से, ठीक है दोस्तों। तो चलो शुरू कर दें, टाइमर चल रहा है भैया, फटाफट आंसर करो। पहला सवाल एरर डिटेक्शन का है, जल्दी से आंसर करिए क्विकली एवरीवन। टाइम साहब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, कहता है विद एवरी अ सेकेंड दे वर गेटिंग फार्दर फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ सिविलाइजेशन, दिस इज द क्वेश्चन। एक एक शब्द को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपने विद लिखा, विद के बाद एवरी लिखा, तो आपको एवरी का रूल पता होना चाहिए कि इसके बाद आप हमेशा सिंगुलर नाउन लगाते हैं अगर डायरेक्ट बाद नाउन लिखते हैं तो, राइट तो आपका जो एवरी आ सेकेंड लिखा हुआ है ना, वो आ नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट बाद आपको नाउन ही लिखना होता है, सिंगुलर नाउन, आप वहां पे आर्टिकल नहीं लगा सकते, आर्टिकल यहां पे गलत माना जाएगा। तो एवरी एवरी सेकेंड यानी विद एवरी सेकेंड आपको ऐसे लिखना, विद एवरी सेकेंड, सो आपकी जो मिस्टेक है वो इस आर्टिकल को हटाने पे सही हो जाएगा। चलो ठीक है, हमने यहां पे हटा दिया, ठीक है। अब सवाल आप ये पूछ सकते हो कि क्या संदीप सर एवरी के बाद क्या कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आ सकता? क्या आ सकता है? आप एवरी के बाद आप प्लूरल नाउन लगाना चाह रहे हो तो आप वहां पर आर्टिकल आ मत लिखो, आप आ को छोड़ के आगे कुछ भी लिख सकते हो, आप दो लिख लो, तीन लिख लो, दो भी ना लिखो, आ और टू छोड़ के आगे लिखो। क्यों? क्योंकि एवरी की शुरुआत कम से कम तीन से होती है, तो सपोज आपने थ्री लिख दिया, एवरी थ्री, तो आपको यहां पर सेकंड नहीं बल्कि अब आपको लिखना पड़ेगा सेकंड्स, और ये कंस्ट्रक्शन आपका प्लूरल कंसीडर होगा। तो एवरी आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के नाउन्स लेता है, सिंगुलर नाउन हमेशा लेगा जब डायरेक्ट बाद एवरी है, एवरी के बाद नाउन लिखेगा, और प्लूरल नाउन तब लेगा जब आप एवरी के बाद थ्री फोर फाइव या इसके ऊपर की कोई भी संख्या लिखते हो तो। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों गेम आपको अप्लाई करना है। बाय द वे यहां पे प्लूरल करने का कोई जरूरत नहीं है, आप केवल आर्टिकल आर डिलीट कर दो, बाकी सब अपनी जगह सही है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा कमेंट करते रहे बीच बीच में बच्चों, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें दो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको, बहुत अल्टीमेट है ये वाला क्वेश्चन। टाइम्स अप, देखिए देखिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा, सेंटेंस की शुरुआत है इट इज हाई टाइम से, तो इट इज हाई टाइम पर बेस्ड दो प्रकार के रूल आपको याद रखना है, इट इज हाई टाइम पर बेस्ड आपको दो रूल याद रखना है, इट इज हाई टाइम। रूल नंबर वन ये है कि अगर आप इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखते हैं ना, तो ये वर्ब आपकी हमेशा पास्ट इंडेफिनिट की होनी चाहिए, ये पहला रूल है। और दूसरा है, अगर आपने इट इज हाई टाइम लिखकर आपने फॉर लिख दिया ना, फॉर लिख दिया ना, फॉर आपने फॉर लिख दिया ना, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, तो भाई इसके बाद आप फॉर के बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे, जो भी लिखना चाहेंगे, और फिर इसके बाद आपको टू प्लस वी वन लिखना है, फिर आप यहां पे पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनाएंगे, ये दो गेम बनेगा। अब आपने यहां पे क्या लिखा, इट इज हाई टाइम के बाद आपने फॉर लिख दिया, इट इज हाई टाइम किसके लिए, यूरोप के लिए, तो अब आपने इट इज हाई टाइम फॉर यूरोप कहा, तो आपको इसके बाद ये टुक नहीं बल्कि टू टेक आपको लिखना पड़ेगा, इट इज हाई टाइम फॉर यूरोप टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स ओन डिफरेंस। अभी समय आ गया है यूरोप के लिए टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेने का फॉर इट्स ओन डिफेंस, इसके अपने खुद के डिफेंस के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसमें जो एरर है वो इस टुक को हटा के टू टेक करना पड़ेगा, ठीक। दूसरा तरीका क्या था इसको सही करने का, इट इज हाई टाइम, ये फॉर नहीं होता यहां पे, इट इज हाई टाइम यूरोप टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स ओन डिफेंस, हम ये भी करते, लेकिन जब फॉर आया हो तो फॉर को सही मानो और आगे के हिसाब से, इस फॉर के हिसाब से आगे चेंज कर लो, ठीक है। तो एक ये दो गेम यहां पे बनते हैं, इस दोनों को याद रखिएगा यहां पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला सवाल। रुक जा रहा है क्या ये,
बच्चों कमेंट करो। टाइम्स अप, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा सवाल। नहीं, फॉर नहीं ओमिट करना है, उसके हिसाब से आगे सही करना है, क्योंकि वो भी तो एक रूल है। फॉर ओमिट करोगे तो ऑप्शन ए एरर मानी जाएगी, लेकिन फॉर ओमिट नहीं करना है। टाइम्स अप। देखो यहां पर सेम गेम मैंने दे दिया, इट इज हाई टाइम। हमने इसमें कोई फॉर नहीं लगाया, हमने इट इज हाई टाइम के बाद एक सब्जेक्ट लिखा। अब आपको इसके बाद लिखना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट। तो जो ये टू डिस्प्ले लिखा हुआ है, ये एक्चुअली होना चाहिए डिस्प्लेड। इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट डिस्प्लेड अ मोर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। अरे भाई कोल्ड हो गया बच्चों, ये कैसे हो गया? सुबह तो अच्छे खासे थे। नमक पानी बोल दीजिए भैया थोड़ा, तो गुनगुना। ये तो तगड़ा हो गया भाई, पता नहीं कैसे सडनली सुबह सुबह तो एडिटोरियल में एकदम ठीक थे, 10 बजे वाली क्लास में एकदम ठीक थे, अभी हो गया। देखो इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट के बाद आपका टू डिस्प्ले गलत है, वहां पे आपको डिस्प्लेड करना पड़ेगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट ही चाहिए। और सेम गेम यहां पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके नेक्स्ट पे आइए। द कमिटी विल नीड टू इलिमिनेट द नॉनसेंस एंड प्रोड्यूसेस मोर प्रैक्टिकल प्रपोजल्स। क्या एरर इसमें? क्विकली बच्चों, टाइम्स अप। कहता है द कमिटी सब्जेक्ट है हेल्पिंग ऑफ नीड। क्या चीज कमिटी को जरूरत पड़ेगी क्या करने की? टू इलिमिनेट करने के लिए, इलिमिनेट करने की जरूरत पड़ेगी द नॉनसेंस को, एंड प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी मोर प्रैक्टिकल प्रपोजल्स को। यानी कमिटी को जरूरत पड़ेगी दो काम करने की। पहला काम करने की जरूरत है टू इलिमिनेट, पहला काम करने की जरूरत है इलिमिनेट करने की, और दूसरा काम करने की जरूरत है ये प्रोड्यूस करने की। सो आपको इसका रूल पता होना चाहिए, ये दोनों क्या है? इन्फिनिटिव। आपका रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस में आप दो इन्फिनिटिव लगा रहे हो तो जो पहला वाला इन्फिनिटिव हो ना उसको फुल इन्फिनिटिव बनाइए, यानी उसके साथ टू लगाइए और फिर फर्स्ट फॉर्म लिखिए, और जो दूसरा वाला इन्फिनिटिव है ना उसको बेयर इन्फिनिटिव बनाइए, यानी फर्स्ट फॉर्म में रखिए लेकिन टू मत लगाइए। आपने तो भाई साहब यहां पर तो एस फॉर्म बना दिया, तो गलत है, एस फॉर्म हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर होगा ये केवल प्रोड्यूस, प्रोड्यूसेस रॉन्ग है। फिफ्थ क्वेश्चन, हरिया बच्चों। टाइम्स ऑफ शी रिजेंबल्स टू हर सिस्टर। आप देखो ये रिजेंबल्स लिखा है, तो आपने शी लिखा जो कि सब्जेक्ट है, रिजेंबल्स आपका यहां पर एस और ई एस फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म की वर्ब बनाने के लिए एस और ई एस फॉर्म बनाते हैं। तो हमारा रिजेंबल्स की फॉर्म और टेंस बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बताएं कि जब हम इस रिजेंबल वर्ड को एक्टिव वाइज में लिखते हैं तो इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये टू यहां पे नहीं होना चाहिए। रिजेंबल्स हर सिस्टर, शी रिजेंबल्स हर सिस्टर इन द वे शी मूव्स हर हैंड्स व्हेन शी टॉक्स। यानी वो अपनी बहन का नकल करती है उस तरीके से कि वो किस तरीके से बात करते समय अपने हाथों को मूव करती है, तो उसका वो नकल करती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी मिस्टेक है, इस टू को डिलीट कर दो यहां से, बाकी सही है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करेक्टली स्पेल्ड पे आ जाइए। लॉरिएट की सही स्पेलिंग कौन सी है? सो लॉरिएट, 15 सेकेंड्स मिलेगा बस इसके लिए। लॉरिएट है प्यारे बच्चों आपके सामने ऑप्शन नंबर सी में, एल ए यू और री और फिर एट। लॉरिएट, एल ए यू लॉ आर ई री और फिर ए टी ई। लॉरिएट का मतलब होता है पुरस्कार विजेता, पुरस्कार विजेता इज लॉरिएट। सेकेंड है कमांडर, 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन के लिए। हरी अप, सिंपल है। टाइम्स अप। कमांडर की स्पेलिंग ऑप्शन बी वाली, सी ओ डबल एम ए एन डी ई आर, डबल एम ए एन डी ई आर। सबसे पहले सी ओ डबल एम
ए कॉमा लिख दिया और फिर एन डी ई आर कमांडर, कमांडर का मतलब सेनाध्यक्ष, जो कमांडर होते हैं सेना में। नेक्स्ट है ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी टाइम्स ऑफ ट्रैंक्विलिटी ऑप्शन ए टी आर ए एन क्यू यू आई डबल एल आई टी वाई, ट्रैंक्विलिटी मीन्स होता है शांति, और अगर ट्रैंक्विल लिख देते हैं टी आर ए एन क्यू यू आई एल तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, ठीक है ना, इसका मतलब होता है शांत, यानी कि क्वाइट एक प्रकार से आप कह सकते हैं क्वाइट, ठीक है ना, एकदम शांत क्वाइट काम राइट, ये इसका मीनिंग है, ये एडजेक्टिव है और ये आपका ट्रैंक्विलिटी नाउन है, ठीक है, आई टी वाई नाउन में आता है। नेक्स्ट पे आइए, दिस इज एलिटरेशन, एलिटरेशन टाइम्स ऑफ, प्यारे बच्चों आंसर ऑप्शन बी है ए डबल एल आई टी ई आर ए टी आई ओ एन, एलिटरेशन का मतलब है द ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग और ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, है ना, किसी भी क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स की शुरुआत में ही वर्ड्स का बार बार जो है दोहराया जाना उसको एलिटरेशन कहते हैं, जैसे कनक कनक ते सौ गुनी, तो कनक कनक दो बार बोल दिया गया, है ना ये। चलो दसवां सवाल है शॉफर, शॉफर, शॉफर होता है ड्राइवर को बोलते हैं, मोटर चालक, सो करेक्ट स्पेलिंग ऑफ शॉफर आपके सामने है ऑप्शन डी में सी एच ए यू डबल एफ ई यू आर, है ना, सी एच ए यू लिखिए सबसे पहले सी एच ए यू शॉ, इसको सी एच को हम शाफ पढ़ेंगे, फिर डबल एफ ई यू आर, शॉफर मीन्स होता है मोटर ड्राइवर, ठीक है बच्चों। दस सवाल हो गए आपका, ग्यारहवें सवाल से पहले मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, आप सभी लोग जैसे यहां पे मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, बहुत से बच्चे होंगे जिनको टॉपिक वाइज पूरा बेसिक से पढ़ना होगा, उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र बैच है जो कि पीडब्ल्यू ऐप पे चलता है, और इस बैच में 650+ लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सारे एग्जाम्स सारे सब्जेक्ट्स का मिला के, केवल इंडिविजुअल अगर इंग्लिश आप लेंगे ना तब भी आपको 150 घंटे की क्लास मिलेगी, 150 आवर्स, 150 घंटे से ज्यादा हम यहां पे क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ये बैच शुरू हो चुका है पीडब्ल्यू ऐप पर, फटाफट आप आज जाके पीडब्ल्यू ऐप पर ब्रह्मास्त्र बैच परचेज कीजिए, कंप्लीट बैच लेंगे तो इतने का मिलेगा, और आज इसकी लास्ट डेट है इस प्राइस की, इसमें हो सकता है कहीं पर लिखा हुआ हो, है ना, 31st लास्ट डेट है इस प्राइस की, फिर ये प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर आप केवल इंग्लिश की लेना चाहते हैं तो 699 केवल आज तक, कल से हो सकता है कंपनी इसका नया प्राइस रखे, तो इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म करने के लिए लगा दिया कि 1499 रुपए में आज तक ये इस प्राइस पे आपको मिलेगा, कल से प्राइस ज्यादा होगा, 699 में केवल इंग्लिश इंडिविजुअल 150 घंटे, और ये केवल प्रीलिम्स नहीं बल्कि प्रीलिम्स प्लस मेंस, हम पूरी की इंग्लिश की बात कर रहे हैं इसी प्राइस में, आपको दोबारा पैसे नहीं देने मेंस के लिए, ठीक है, सीजीएल इतने में हो जाएगा, सीपीओ भी हो जाएगा, स्टेनो भी हो जाएगा, जो भी एग्जाम है एसएससी का सब निकल जाएगा। चलो टेक टाइम बाय द फोर लॉक पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं पर है, चलिए बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगी, कोई भी क्वायरी है वहीं पे पूछ लीजिएगा ऐप पर ही। टेक टाइम बाय द फोर लॉक की क्या मीनिंग है प्यारे बच्चों, टाइम्स ऑफ, प्यारे बच्चों आंसर ऑप्शन डी वाला है, प्रिपेयर फॉर एक्शन बिफोर टाइम, किसी एक्शन के लिए बिफोर टाइम तैयार हो जाना उसको कहते हैं टेक टाइम बाय द फोर लॉक। नेक्स्ट है ऑल अगग, ऑल अगग का क्या मतलब होता है, ऑल अगग मतलब होता है रेस्टलेस बच्चों, बेचैन होता है कोई ना, रेस्टलेस मीन्स होता है बेचैन, जैसे आपको रेस्ट किसी को लेस मिला, ज्यादा नहीं मिला लेस मिला कम मिला, तो चैन नहीं मिला तो बेचैन हो जाएगा वो, है ना। नेक्स्ट पे आता है टो द लाइन, टो है ऐसे लाइन, जैसे आपने पैर के अंगूठे से ऐसे लाइन बना दी, इसका क्या मतलब है टो द लाइन, यहां लो भैया टो द लाइन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक थैंक यू। हो गया, टो द लाइन का मतलब होता है बच्चों ऑप्शन डी में है फॉलो अदर्स, अरे कोई मान लीजिए अपने पैर के अंगूठे से ऐसे करके ऐसे लाइन बना रहा है, तो दूसरा आदमी क्यों लाइन बना रहा है, क्योंकि किसी को फॉलो करना होगा उसको कि क्या कहना चाह रहा है, तो इसीलिए फॉलो अदर्स। नेक्स्ट है थ्रो अप वन्स कार्ड्स, अपने कार्ड्स फेंक देना, अपने कार्ड्स फेंक देना क्या मतलब है इसका,
बहुत आसान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन वन, एक्सेप्ट डिफीट। अरे भाई मान लो आप पत्ते खेल रहे हो, हाँ अब आपको समझ में आ रहा है मेरा एक भी पत्ता नहीं बनना, तो आपने ऐसे करके फेंक दिया, क्यों? क्योंकि आपने अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली, आपको समझ में आ गया कि मेरे बस का। नेक्स्ट है टर्न टेल। टर्न टेल का मतलब क्या? पूछ पलटना, टेल मतलब पूछ। का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में लिखा है रन लाइक अ कॉर्ड। अरे पूछ पलटना, मान लीजिए आपकी पूछ अपने आप पलटा पलट मचाई, जैसे एक बिल्ली है उसकी पूछ पलटा पलट मचाई है, तो इसका मतलब वो भागा भाग मचाई होगी बहुत तेजी से, और डरी होगी बिचारी, उसको सही से नहीं भाग पा रही है तो डर के भाग रही है एक कायर की तरह, और पूछ उसकी पलटी जा रही है ना, उसको कहते हैं। चलो आ जाओ फिर है, इंप्रूव करिए ब्रैकेटेड पार्ट को। वाइल हर्स ऑब्जर्वेशन मे बी ट्रू, ठीक है बताइए। छोटी सी ग्रामर अप्लाई हुई है इसमें बस। टाइम्स ऑफ, प्यारे बच्चों ये सही है, क्यों? ऑब्जर्वेशंस आपका नाउन है, तो आपको इसके ठीक पहले वाले शब्द को एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये पजेशन ऐसे बनता ही नहीं है, तो आपके तीन कट गए, एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आइए 17। द प्रेसिडेंट सेड इलीगल ड्रग्स आर हर्टिंग द एंटायर वर्ल्ड एंड एनीवन हु इज ट्रैफिक्स, एनीवन हु इज ट्रैफिक्स कुछ गलत सा नहीं लग रहा है, इन देम शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, गलत है। करेक्ट आंसर क्या है? एनीवन फिर हु, अब ये आपका गलत है, इज के बाद एस फॉर्म कहां से लगा देंगे? एनीवन सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म नहीं एस फॉर्म चाहिए, एनीवन हु आर कर दिया आपने, एनीवन हु ट्रैफिक्स, ये आपका आंसर होगा, है ना? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ये ट्रैफिक्स एक सिंगुलर वर्ब है इस प्रोनाउन के लिए जो यहां पे सिंगुलर है, तो इसके लिए ये लगाया गया, सिंगुलर के लिए सिंगुलर। नेक्स्ट पे आइए, द प्रैक्टिस इंक्लूडेड रिक्रूटमेंट थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बिसाइड्स रिक्रूट थ्रू, बहुत आसान है बताइए। मेरे प्यारे बच्चों ये बिसाइड्स जो होता है ना, एक प्रेपोजिशन होता है BESI, और आप बिसाइड्स प्रेपोजिशन के बाद एक वर्ब लिख रहे हो, तो ये ING फॉर्म की तो होगी। आपके सारे ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक ऑप्शन है जिसमें आपकी वर्ब ING फॉर्म की लगी हुई है, दैट्स द आंसर। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आइए, द टीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन माइट बी काउंटर्ड बाय द रिटॉर्ट दैट अदर थिंग्स बिसाइड्स चॉक लीव व्हाइट ट्रेसेस ऑन अ ब्लैक बोर्ड। क्या बात है, करेक्ट आंसर डी है भाई, टीचर का डिमोन्स्ट्रेशन, अगर आपने एपोस्ट्रोफीएस लगाई है तो इधर और इधर दोनों साइड नाउन चाहिए, और नाउन दोनों साइड है, इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। 20th, पीपल कैन गो आउट टू वर्क इन द डे लाइट आवर्स एंड देन कम टू नाइट स्कूल इन द इवनिंग। हरी अब बच्चों, टाइम सॉप। अरे बच्चों क्या है, इन आ डे लाइट आवर्स, ये ब्रैकेट है ना, यही होगा, ब्रैकेट बस मिस हुआ है। सो आप यहां पर देखो, इन द डे लाइट्स, डे लाइट्स आवर्स कैसे हो सकता है, ये नाउन है तो ये वाला शब्द इसकी जगह पर एडजेक्टिव बना हुआ है जो सिंगुलर ही होना चाहिए, तो आप इसमें एस नहीं लगा सकते, इसमें एस नहीं लगा सकते, ये तीन ऑप्शन बिना एस वाले ही होने चाहिए। अरे जैसे लिखते ना फाइव स्टार होटल, वैसे ही है ना, स्टार्स नहीं करते वैसे ही डेलाइट्स नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड सिनोनिम, इंटरसीड का क्या मतलब है? डिटोनेट, बेक्वेट, कन्फर या प्रिजर्व। सही जवाब है इंटरसीड के सिनोनिम के रूप में आपके सामने, ऑप्शन डी में है, दैट इज प्रिजर्व, रक्षा करना उसको इंटरसीड कहते हैं, और प्रिजर्व करना यानी कि सुरक्षा करना, रक्षा करना। वहीं पर बेक्वेथ मींस है वसीयत में देना, डिटोनेट फटना, एंड कन्फर कोई चीज किसी को प्रदान करना।
दिस इज चमी, CHUMMY, चमी। चमी मींस होता है मिलनसार, जिसको हम फ्रेंडली बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। बेलिजरेंट है, थोड़ा लड़ाकू टाइप का, ब्लंट है, मंद बुद्धि, जिसपे कोई भी दिमाग ना हो, तेज ना हो, उसे कहते हैं। एंड चर्लिस मींस होता है अक्खड़ टाइप का एकदम से। अगला है निगार्ड, सिनोनिम आपको बताना है। बेनेवोलेंट, माइजर, लैविश एंड प्रोफाउंड, कौन वर्ड इसका सिनोनिम है? निगार्ड मींस होता है प्यारे बच्चों कंजूस, बहुत ही ज्यादा। तो माइजर उसका परफेक्ट सिनोनिम है। बेनेवोलेंट जो दयालु है, उदार है। लैविश बहुत खर्च करता है। प्रोफाउंड मींस होता है बहुत ही गहरा। वीनल, वीनल, VENAL, वीनल के ऑप्शन है फर्वेंट, चैग्रिन, करप्ट एंड हार्मलेस। करेक्ट आंसर आपके सामने, वीनल मींस घूसखोर होता है और घूसखोर आदमी करप्ट होता है। फर्वेंट है बहुत उत्सुक, चैग्रिन है एकदम चिढ़ सा गया, और हार्मलेस कोई नुकसान नहीं। अंतिम सवाल आज का, मैलेवोलेंट, अभी बेनेवोलेंट कराया था, अब ये मैलेवोलेंट है। मेरे प्यारे बच्चों ये क्लास मेरी दो दिन, कल और परसों, केवल ये वाली क्लास, ठीक है ना, बाकी सुबह का एडिटोरियल होगा, बट ये वाली क्लास मेरी कल और परसों, ये दो दिन नहीं है, तीसरे दिन है, तीन तारीख से है, कल एक तारीख और परसों दो तारीख, दो दिन नहीं है, तीसरे दिन है, ठीक है। मैलेवोलेंट का मतलब दुष्ट होता है, डिप्रेव्ड परफेक्ट सिनोनिम है। बेनेवोलेंट उदार है, दयालु, इल्यूजन है भ्रम, और रिवेंजफुल का मतलब प्रतिहिंसात्मक, किसी से रिवेंज ले रहा है, उसको कहते हैं। पूरे हो गए 25 सवाल प्यारे बच्चों, रेगुलर ये चलती है क्लास, अटेंड करें आप सभी लोग। आज की एक क्लास और है लाइव 3 बजे, PW ऐप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथियों, फिर ये क्लास केवल इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करिए, और जो भी यहां पे आपको वोकैबुलरी इस क्लास में दी जा रही है या कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, अगर नया लगे तो नोट जरूर करिए, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।